समाज के जन तोंदरे आगता है अदन्न तगिबेकु। मेरे ख्याल से प्रमोद गुताली को अर्जेंट लेके जाके निमांस हॉस्पिटल में एडमिट करना। समाज के जन तोंदरे आगता है अदन्न तगिबेकु। पहला कोर्ट जजमेंट पढ़ने को बोलो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहने दो, हाई कोर्ट का जजमेंट रहने दो, कोई भी लाउड स्पीकर निकालो करके कोई जजमेंट नहीं दिया। प्रमोद मुतालिक का हालिया बयान बचकाना है और उनके बयान से साफ नजर आता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जमीर अहमद खान ने कहा कि उन्हें निमांस में भर्ती कराया दिया जाना चाहिए। जमीर अहमद खान का कहना है कि प्रमोद मुतालिक बगैर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़े और बगैर जानकारी के अंधाधुंध बयानबाजी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है। मेरे ख्याल से प्रमोद मुतालिक को अर्जेंट लेके जाके निमांस हॉस्पिटल में एडमिट करना। पहला कोर्ट जजमेंट पढ़ने को बोलो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहने दो, हाई कोर्ट का जजमेंट रहने दो, कोई भी लाउड स्पीकर निकालो करके कोई जजमेंट नहीं दिया। लाउड स्पीकर यूज़ करने के लिए परमिशन बोला जाता है इसको, जो परमिशन हमने लिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया है और पर्टिकुलरली अजान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी किया गया है। अजान जो है फंडामेंटल राइट्स है करके, और इतने डिजिमल में यूज़ करना, अभी इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डिजिबल यूज़ करना, रेसिडेंस एरिया में 65 डिजिबल यूज़ करना, साइलेंट जोन के अंदर, साइलेंट जोन मतलब हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल्स के अंदर, स्कूल जिधर रहते हैं उधर 55 डिजिबल यूज़ करना करके कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का किधर भी ये आदेश नहीं है कि तुम लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके, यानी इतने डिजिबल में करना। वही तो वो डिजिबल हम लोग फिक्स करके, जो कानूनन जो कर्नाटका जो हुकूमत ने एक एप्लीकेशन तैयार जारी किया था, वो एप्लीकेशन भर के सबमिट करके परमिशन लिया गया है। अभी प्रमोद मुतालिक कोई प्रचार लेने के लिए तुम लाउड स्पीकर अगर नहीं निकालेंगे तो मस्जिद के अंदर से हम सीएम के घर के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे करके मैं स्टेटमेंट देखा, तो पहले स्टेटमेंट उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ने को बोलो। प्रचार के लिए कुछ भी मुंह में आए जैसा बात नहीं करने का उसको। मेरे ख्याल से प्रमोद मुतालिक को अर्जेंट लेके जाके, वो पागल हो गया, उसको निमांस हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। कर्नाटक के तमाम मजहबी मकामात में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर के लिए अब लाइसेंस लेना ज़रूरी है। हुकूमत की जानिब से लाइसेंस दिए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन के जरिए दरख्वास्त देकर यह लाइसेंस लिए जा सकते हैं। लाइसेंस लेने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, इसी वजह से चामराजपेट के एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान ने अपने हलके के तमाम मस्जिद, मंदिर, चर्च और दीगर मजहबी मकामात के जिम्मेदारों को बुलाकर अपनी टीम के जरिए उन्होंने लाइसेंस फराहम कराया है। पुलिस स्टेशन में ज़रूरी दस्तावेज जमा करके तमाम लोगों को लाइसेंस फराहम करने के लिए लाइसेंस इकट्ठा किया और आज मस्जिद सुभानिया में चामराजपेट के उन्होंने लाइसेंस तमाम लोगों को जमा करके तकसीम किया। ने मेरी कॉन्सियंस ही करके नहीं, मेरा चामराजपेट हलका, हमारा विजयनगर हलका, गोविंदराज नगर हलका, प्लस गांधीनगर हलके के जितने भी मस्जिद मेरे हलके के अंदर जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा तो हमारे में है नहीं,
हर एक को जो है गवर्नमेंट से एक आदेश हुआ था पिछले महीने में 6 तारीख को, 5वें महीने में एक आदेश करके एक एप्लीकेशन छोड़ा था, जो जो भी लाउड स्पीकर यूज़ करते उसका वो परमिशन लेना आकर के। अभी नया वो परमिशन हम लोग ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था, जो पुराने जो 25 तारीख तक जो डेडलाइन दिया था गवर्नमेंट ने पिछले महीने में, वो ऑलरेडी हमने ऑलरेडी परमिशन ले लिया था। फिर अभी नया सर्कुलर आया गवर्नमेंट का कि अभी 3 तारीख को, ये महीने में 3 तारीख को आया कि नया एप्लीकेशन आके नया सर्कुलर आया उसका, नहीं इस तरीके से नया एप्लीकेशन के हिसाब से देना करके। तो नए हिसाब से ही हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के के अंदर जो हमारे मस्जिद है, चर्च है, हर एक को जो लाउड स्पीकर का जो परमिशन लेना वो लेके उनकी मस्जिद में, उनकी मंदिर के जिम्मेदारों को, उनके चर्च के जिम्मेदारों को, उनको हमारी तरफ से हैंड ओवर किया गया। ये एप्लीकेशन के अंदर एक हर एक मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, 400 रुपये ऑफिशियली फीस बनना करके वो भी हमारे तरफ से बन के वो एप्लीकेशन का सबको जिम्मेदारों को बुला के उनका हैंड ओवर किया गया।